नमस्कार दोस्तों, देखिए ये रेडीमेड शर्ट है और कस्टमर का ये कहना है सामने से फिटिंग तो ठीक है, स्लीव भी ठीक है, लेकिन इनका कहना है ये शर्ट अल्टर करना है। देखिए पीछे से जो ये झोल है वो ठीक नहीं लगता, इनके कहने से ये कम करना है। तो ये ठीक करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ बैक में दोनों तरफ दो डॉट डालने पड़ेंगे, एक डॉट में कम से कम 1 इंच मार्जिन यहाँ हमें दबाना होगा, यहाँ 1 इंच और यहाँ 1 इंच, दोनों तरफ एक एक इंच। तो इसके लिए डॉट भी अंदाजे से नहीं लगाने हैं, डॉट की पोजीशन भी हमें यहीं पर तय करनी है। देखिए इस शोल्डर लाइन से नीचे यहाँ से डॉट शुरू हो जाएगा और देखिए यहाँ तक लगेगा। ठीक उसी तरह देखिए यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा डॉट लगेगा। तो डॉट का परफेक्ट मार्किंग किस तरह लेना है ये बताऊंगा। ये देखिए ये शोल्डर की जो लाइन है उसके नीचे 4 इंच पर डॉट शुरू हो जाएगा और हमें वो डॉट यहाँ 16 इंच तक ले जाना है। तो ये आखिरी पॉइंट डॉट का होगा 16 इंच, यहाँ से शुरू हो जाएगा डॉट 16 इंच पर, ये दूसरा निशान होगा, पहला निशान यहाँ 4 पर लगेगा। ठीक उसी तरह यहाँ भी इस शोल्डर लाइन के नीचे 4 इंच पर पहला मार्क लगेगा और दूसरा मार्क लगेगा 16 इंच पर। तो इस तरह ये बैक में दो डॉट डालने हैं, एक एक डॉट में एक एक इंच हमें कपड़ा दबाना है। तो दोस्तों ये डॉट का मार्किंग मैं आगे दिखाऊंगा, स्टिचिंग करके दिखाऊंगा और फिर से एक बार कस्टमर ये शर्ट पहनेगा, आपको पहले से ये किस तरह बेटर दिखता है ये समझ में आएगा। तो वीडियो और लास्ट तक देखिए। ये यहाँ पहला मार्क 4 इंच पर शोल्डर लाइन के नीचे ये देखिए, और दूसरा मार्क 16 इंच पर ये यहाँ। ठीक उसी तरह देखिए 4 इंच पर पहला मार्क, दूसरा मार्क 16 इंच पर। अब देखिए जो टोटल 18 इंच इसकी जो मेजरमेंट है तो इसके 4 भाग करने हैं। तो एक भाग आएगा 4.5 इंच का, तो 4.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। ठीक उसी तरह देखिए 4.5 इंच पर यहाँ एक मार्क करेंगे और ये मार्क सीधा ऊपर इस तरह लेके जाएंगे, इस तरह देखिए स्ट्रेट। तो देखिए ये एक डॉट और ये एक डॉट, दोनों डॉट के हमें मार्क मिल गए हैं। तो इसे हमें क्या करना है, देखिए 1 या 1.25 इंच हमें जितना भी कम करना है उतना दबाना है। देखिए तो मैं यहाँ स्ट्रेट लाइन के दोनों साइड में आधा आधा इंच टोटल 1 इंच यहाँ मार्जिन दबेगा। ठीक उसी तरह देखिए यहाँ भी ये लाइन के आगे आधा इंच और इधर पीछे आधा इंच। इसी मार्किंग पे हमें स्टिचिंग करना है, तो इसे मैं स्टिचिंग करके डायरेक्ट कस्टमर पे ट्रायल दिखाऊंगा। तब तक वीडियो में बने रहिए। Thank you.
तो देखिए दोस्तों, ये दोनों डार्ट लगाने के बाद बैग की फिटिंग किस तरह दिखती है ये देखेंगे। ये देखिए, तो इस तरह ये बहुत सारा जो बबल था यहाँ वो काफ़ी कम हो चुका है। देखिए यहाँ हमने 1 इंच कपड़ा दबाया है और यहाँ डार्ट में 1 इंच, तो इस तरह ये पहले से कुछ बेटर दिखता है। और इससे अभी प्रेस भी लगाना बाकी है, प्रेस लगाने के बाद ये और भी अच्छा दिखेगा। तो दोस्तों इस तरह आप भी रेडीमेड शर्ट अगर सभी बाजू में और सभी तरफ से ठीक है, लेकिन बैक में अगर झोल है ज़्यादा, बैक में फिटिंग ठीक नहीं है, तो इस तरह के दोनों साइड में दो डार्ट लगा के आप भी घर पे ही शर्ट की फिटिंग बेहतर कर सकते हैं। लेकिन एक आपको ध्यान में रखना है, दोनों डार्ट लगाने से पहले इसके जो पॉइंट है वो पहले मेजरमेंट कर लेने हैं, कहाँ से शुरू होगे डार्ट, कहाँ ख़त्म हो जाएंगे, कितना कपड़ा दबाना है, ये सब पहले तय कर लेना है, बाद में ही इसका मार्किंग और स्टिचिंग करनी है। यहाँ अंदाजे से डार्ट मत लगाइए, क्योंकि वो दोबारा खोलने पड़ेंगे अगर ठीक से नहीं बैठे तो। इसलिए डार्ट का मेजरमेंट लेना ज़रूरी है, कितना कपड़ा दबाना है ये भी देखना ज़रूरी है, तभी ये डार्ट लगानी है। तो इस तरह ये रेडीमेड शर्ट बिल्कुल ठीक तरह से हो गया है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सीखने वाले को शेयर करिए, और आपने अगर हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।